हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक हो। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। आज मैं आपके साथ बहुत टाइम के बाद ब्लॉग शेयर कर रही हूँ। आपके साथ इस ब्लॉग में मैं काफ़ी सारे बातें शेयर करने वाली हूँ। एंड आपने ऑलरेडी मेरे टाइटल देख के आपको पता लग गया है आज क्या होने वाला है। अगर मैं टाइटल में क्या डालूंगी मुझे नहीं पता, बट हाँ अगर डाल दिया है आपको पता लग चुकी है। तो जी हाँ, आज मेरे हस्बैंड घर आने वाले हैं। मतलब ये खुशी इसलिए है क्योंकि वो जब गए थे, शिवंश बहुत ही छोटा सा था, मतलब 1 मंथ का हुआ था तभी वो केरला गए थे। तो अभी 3 मंथ के बाद आ रहे हैं। सानवी का रिएक्शन कैप्चर करेंगे उनके पापा को देख के इतने टाइम के बाद, क्योंकि अच्छा सा दिन है और लगा कि मैं आपके साथ एक ब्लॉग शेयर करूं। और एक बात, एक्चुअली मैं ब्लॉगिंग कर पा रही हूँ क्योंकि हमारे घर के सामने जो काम चल रहा था ना वो अभी बंद है, मतलब बारिश की वजह से या फिर कुछ मुझे नहीं पता, बट हाँ घर का काम बंद है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे बात कर पा रही हूँ, नहीं तो इतनी शोर मचती है क्या ही बताऊँ। एक्चुअली यहाँ पे ना मौसम बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है, मतलब इतना ज़्यादा बारिश हो रहा है। और यहाँ पे जो है बारिश बारिश का मौसम ना 8-10 दिन से लगातार हो रही है, पता नहीं क्यों। बट बाहर अगर घूमने जाओगे इस वाले मौसम में बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ी देर के लिए बंद हो जाती है, थोड़ी देर के लिए हो जाती है, ऐसा ही होता है। मतलब क्या ही बताऊँ, कपड़े सुखाने में, स्किन के लिए, हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। मतलब मुझे पिम्पल्स भी आ गया है, हेयर फॉल भी हो रही है। उसका भी वीडियो आपके साथ बहुत ही जल्द शेयर करूँगी मैं क्या करती हूँ। तो बस यहाँ पे हस्बैंड की फेवरेट, मेरी भी फेवरेट चिकन दम बिरयानी। एक्चुअली ये जो मंथ था जून मंथ, उनके बर्थडे मंथ था। हर साल मैं बहुत ही अच्छे से उनकी बर्थडे को सेलिब्रेट करती हूँ, स्पेशल फील करवाती हूँ, बट इस साल वो मेरे पास नहीं थे, साथ ही साथ हमारे घर में नहीं होगा। तो इसी वजह से सोचा वो आ रहे हैं तो उनकी फेवरेट डिश बना के खिलाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा खुश हो जाएंगे इसी वजह से। तो यहाँ पे मैं चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैंने डाला है अदरक लहसुन का प्याज, थोड़ा सा अदरक लहसुन प्याज, और जो है थोड़ा सा पानी डाला था तो ज़्यादा ही पानी पानी सा हो गया। इसमें दही डाला है और इसमें धनिया, पुदीना, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, दही, उसके साथ साथ मैंने डाला है चिकन पाउडर, गर्म मसाला पाउडर, और उसके ऊपर सबसे ज़्यादा मैं डालने वाली हूँ बिरयानी मसाला। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा ही नमक डाला है क्योंकि बाद में मैं टेस्ट के हिसाब से नमक डालूंगी। मैंने यहाँ पे जितना नमक डाला है उससे सिर्फ और सिर्फ चिकन जो है थोड़ा सा सॉफ्ट बन जाएगा। अगर ज़्यादा डाल देते हो तो क्या होता है ना, बहुत ही ज़्यादा पानी निकल जाता है और चिकन जो है टूट जाती है, छोटे छोटे पीस में हो जाती है, तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो इसको मैं अच्छी तरीके से हाथ की हेल्प से, मतलब मेरी हैंड की हेल्प से मैं उसको मिक्स कर रही हूँ। आप चाहो तो करछुल वगैरह या फिर कुछ चम्मच वगैरह भी यूज़ कर सकते हो। तो उसको मैं ढक के रख दूंगी 2 घंटे के लिए। तो यहाँ पे शिवांश जो है रेडी होकर सो रहे थे तो मैंने एक पिक्चर लिया था। तो यहाँ पे हम माँ बेटे थोड़ा सा मस्ती कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, क्योंकि इतने टाइम के बाद दादा आ रही थे। शिवांग से एकदम रेडी वेडी होके वेट कर रहे थे कब दादा आएंगे। और यहाँ पे शिवांग रेडी होके अपनी दादा को वेट कर रहा है। और यहाँ पे मैंने थोड़ी देर के लिए गुग्गू के साथ खेला, उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी किचन में क्योंकि मुझे फटाफट से काम फिनिश करना था। 7:30 के आसपास कुछ हो रहा था तो मैं जल्दी ही बनाने वाली थी, क्योंकि हड़बड़ी करूँगी तो थोड़ा सा कुछ अजीब मतलब हो जाती है। अगर आप कुछ अच्छा सा बना रहे हो, थोड़ा सा ज़्यादा बना रहे हो, तो टाइम लेकर ही बनाना, नहीं तो हड़बड़ी में सब कुछ उलट पालट हो जाती है, इसी वजह से उलट पालट हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने डाला है ऑयल जो कि है मस्टर्ड ऑयल, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो आपके हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने सारे खड़े गरम मसाला, उसके साथ साथ मैंने थोड़ा सा जीरा डाला हुआ है, इसको मैं थोड़ा सा ऐसे ऑयल में मिक्स कर लूँगी क्योंकि ऐसे ना फ्लेवर जो है अच्छे से आ जाती है। और उसी बीच में मैंने दूसरी साइड पे प्याज जो है उसको फ्राई कर लिया है, जो कि हमको थोड़ा सा चाहिए होता है बिरयानी में, वो मेन होती है, मतलब उसका रोल तो बहुत ही अच्छा होता है बिरयानी में फ्लेवर लाने में। तो उसको मैंने थोड़ा सा जो मैरिनेट करके चिकन रखा था उसमें भी डाल दिया था, और यहाँ पर मैं थोड़ा सा रख रही हूँ, बाद में मैं उसको यूज़ करूँगी। तो अच्छे से ऑयल गर्म होने के बाद मैंने सारे खड़े गर्म मसाला डाल दिया था, उसको थोड़ी देर के लिए मैंने फ्राई किया, उसके ऊपर मैंने सारी चिकन डाल दिया है, उसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। और बीच बीच में आप ऐसे मिक्स करते रहना, नहीं तो क्या होता है ना, दही डाला हुआ है ना बीच में, क्या होता है लग जाती है नीचे से, ऊपर बहुत ही सारा पानी रहता है लेकिन नीचे से लग जाती है। तो आप ना थोड़ी थोड़ी देर में ही उसको मिक्स करते रहना। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लाल मिर्च ज़्यादा ही डाल दिया है, ये जो है कलर के लिए है सिर्फ सिर्फ, इसमें तीखा नहीं है। और इसको मैं अच्छे से मिक्स करते जाऊँगी और अच्छे से ढक दूंगी कुछ ही टाइम के लिए, 5-10 मिनट के अंदर अंदर आप फिर से उसको देखते रहना, चलाते रहना, इसी तरीके से आपकी चिकन जो है अच्छे से पक जाएगी।
तो यहाँ पे जो है चिकन को मैंने ढक दिया है और यहाँ पे मैं बना रही हूँ केसर वाला जो कलर आती है ना, उसमें थोड़ा सा केसर लिया है, उसमें मैं थोड़ा सा गर्म दूध डालूंगी जो कि कलर थोड़ा सा ऑरेंज येलो काइंड ऑफ जो कलर आती है वो बहुत ही अच्छा होता है। आप चाहो तो फूड कलर भी डाल सकते हो, मैं कभी कभी डाल देती हूँ, इंस्टेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है, लेकिन ये भी फ्लेवर भी अच्छा आता है, कलर भी अच्छा रहता है। एंड मेरा गले की कंडीशन थोड़ा सा ख़राब है क्योंकि इतना ज़्यादा ख़राब मौसम की वजह से मेरी गला भी ख़राब हो रहा है, तो प्लीज़ इग्नोर कर देना। एंड यहाँ भी देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा पानी निकल गया था, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है आप ना उसको जो ढक्कन है उसको हटा दो, क्योंकि ज़्यादा पानी निकलता है, अगर आप ढक्कन से उसको कवर करके रखोगे तो एकदम से पक जाएगी, बहुत ही छोटे छोटे पीस में टुकड़े टुकड़े हो जाएगा चिकन, तो बहुत ज़्यादा ही मतलब क्या होता है ना, अच्छा नहीं लगेगा उसका टेस्ट और उसके साथ साथ वो मिक्स हो जाएगा राइस में। तो आप क्या करो उसके ढक्कन हटा दो और कुछ ही टाइम के लिए उसे ऐसे हाई फ्लेम पे छोड़ दो, चिकन भी पक जाएगा साथ ही साथ पानी भी जो है वो अच्छे से मतलब गायब हो जाएगा कहीं पे। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ये एक छोटा सा ट्रिक है, अगर मेरी चिकन से मतलब पानी ज़्यादा निकलता है तो मैं इस तरीके से ही करती हूँ। तो यहाँ पर राइस के लिए मैंने पानी चढ़ा दिया है, इसमें सारे खड़े गर्म मसाला डाला हुआ है और इसमें मैंने डाला है धनिया का पत्ता और थोड़ा सा पुदीना पत्ता, और उसको मैं अच्छे से बॉईल होने दूंगी। पानी बॉईल होने के बाद मैं यहाँ पे चावल को जो है 15 मिनट से पहले ही धो के अच्छे से रख दिया था, आप जो है तो 20 मिनट से भी रख सकती हो क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, अच्छे से पक जाती है, साथ ही साथ आपकी जो टाइम है बहुत ही कम लगता है, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा भिगो के रख दिया था। तो उसके बाद मैं यहाँ पे उसको पानी जब बॉयल हो जाएगा उसमें मैं डाल दूंगी बस राइस के लिए, बस आप बीच बीच में चेक करते रहना क्योंकि राइस जो है ज़्यादा पक जाएगा तो अच्छा नहीं लगता है, और अगर कम भी पकता है तो भी अच्छा नहीं लगता है, तो बस 80-90% पकना चाहिए आपकी राइस। तो यहाँ पे मेरी करी भी बन चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो, उसके ऊपर मैंने थोड़ा सा धनिया पत्ता थोड़ा सा गरम मसाला डाला हुआ था, राइस भी बन गया है, उसको हम दम देने के लिए प्रिपेयर करते हैं क्योंकि ये सबसे ज़्यादा बिरयानी में बेस्ट काम होता है। तो बस मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा पतीला लिया है, आपके पास घर में जितना बड़ा पतीला है आप ले सकते हो मतलब आपकी क्वांटिटी के हिसाब से। तो यहाँ पे मैं डाल रही हूँ घी और इसको मैं अच्छे से चारों तरफ अच्छे से लगा दूंगी, आप चाहो तो आप क्या डालते हो आप मुझे इसमें ना घी ही डालते हैं, ऑयल वगैरह लगाते हैं या नहीं मुझे नहीं पता, बट मैं यहाँ पे घी यूज़ कर रही हूँ और ये जो है मतलब देसी घी है, घर पे बनाया हुआ घी जो होता है ना वही है, और इसको मेरी माँ ने भेजा था तो इसी वजह से मैं यहाँ पे बोल रही हूँ घर पे बनाया क्योंकि मैं खुद तो नहीं बना सकती। तो यहाँ पे मैं राइस का एक लेयर दूंगी, बीच में मैं चिकन डालने वाली हूँ उसके ऊपर एक लेयर और राइस का दे दूंगी, आप चाहो तो उसको दो लेयर में भी डिवाइड कर सकते हो, वो भी थोड़ा सा ईजी रहता है, जब आप उसको कट करके खाओगे तो ज़्यादा ईजी रहता है, लेकिन मैं अकेले हूँ जितना ईजी प्रोसेस में हो सकता है उतना ही किया है क्योंकि मेरे से इतना लेयर नहीं हो पाएगा। तो बस मैंने एक लेयर राइस का लगा दिया है, उसके ऊपर मैं लगा रही हूँ प्याज जो कि मैंने फ्राई करके रखा था, उसके ऊपर मैं डालूंगी धनिया पुदीना थोड़ा थोड़ा करके क्योंकि वो ना फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आ जाता है, उसके ऊपर जो कलर वाला मैंने केसर वाला दूध रखा था वो भी डाल दूंगी, उसके ऊपर मैं डालूंगी बिरयानी मसाला थोड़ा सा नमक, नमक ज़रूर डालना क्योंकि नमक थोड़ा सा कम लगता है जितना भी आप यूज़ कर लो, तो बीच में ज़रूर डाल लेना, और उसके ऊपर सेम मैं सारे चिकन को दे दूंगी, मतलब चिकन जो है पूरा का पूरा मैं बीच में ही डाल दूंगी और लेयर नहीं करने वाली हूँ, तो उसके ऊपर भी मैं राइस डालूंगी एंड सेम प्रोसेस जो मैंने किया है उसी को ही रिपीट करने वाली हूँ और कुछ नहीं। तो बस उसके ऊपर मैं थोड़ा सा घी डाल रही हूँ और उसके ऊपर थोड़ा सा बिरयानी मसाला नमक जैसे कि मैंने आपको बताया था, बस उसको कवर करके आप अच्छे से 15 मिनट के लिए एक तावे के ऊपर हो गया, अगर आपके पास बड़ा सा कोई तावा जैसा जगह है उसको रख के उसके ऊपर ही आप रखना और सिम मतलब एकदम लो फ्लेम पर ही रखना और उसको कवर करके उसके ऊपर एक हेवी सा चीज़ें जो है कुछ रख देना, नहीं तो आप चाहो तो अट्टे से भी उसको जो डो बना के ऐसे लगा सकते हो, लेकिन वो मेरे पास इतना टाइम भी नहीं था एंड वो सब नहीं मैं वेस्ट भी नहीं करती हूँ इसी वजह से, तो मैंने कवर करके 15 मिनट के लिए रख दिया, उसके बाद वो अच्छे से पक जाती है, जब आप ऊपर से देखो ये घी जो है मेल्ट हो जाएगा तभी आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये पक गया है, और पिक्चर लेना मैं भूल गया, आई एम रियली वेरी सॉरी। तो ये मेरी बिरयानी की फाइनल लुक था। तो ये हमें बनाई हूँ रायता, रायता जो है थोड़ा सा स्पेशल तरीके से बनाती हूँ, ये मेरी फेवरेट मतलब मेरी स्पेशल तरीका है, इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 दही क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा बना रही थी इसी वजह से, आप चाहो तो उसको करछुल की हेल्प से भी इसे मिक्स कर सकते हो, नहीं तो आप चाहो तो इस तरीके से भी कर सकते, थोड़ा सा ना ज़्यादा सॉफ्टी सॉफ्टी बनता है तो इसी वजह से मैं अच्छे से कर लेती हूँ। और
उसके बाद मैं यहाँ पर डाल रही हूँ धनिया पत्ता और पुदीना और ग्रीन चिली का पेस्ट। वो हम क्या करते हैं ना, अच्छे से काट के डालते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे काट के नहीं पेस्ट बना के डाल दूंगी, जो कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर जाता है, कलर भी बहुत अच्छा आता है। यहाँ पे जो है मैंने डाल दिया है, आप यहाँ पे देख सकते हो, जितना आपको धनिया लेना है उतना ही पुदीना लेना है, और उसमें आपकी जो क्वान्टिटी के हिसाब से, मतलब ग्रीन चिली कितना तीखा है उसी हिसाब से ही आप एक दो डाल सकते हो। उसके भी मैंने थोड़ा सा ही पेस्ट डाला है, बाकी मैंने रखा हुआ है, अगर बाद में मुझे जरूरत पड़ेगा तो मैं डाल लूंगी। तो यहाँ पे मैंने प्याज डाला है, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सादा नमक, थोड़ा सा नहीं, कुछ ज़्यादा ही मैंने डाला था जलजीरा पाउडर, जो कि अच्छा फ्लेवर के लिए। और यहाँ पे आप चाहो तो टमाटो डाल सकते हो, थोड़ा सा कुकुम्बर भी डाल सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। बट मेरे पास था, लेकिन मेरे हस्बैंड खाना नहीं पसंद करते हैं, तो इसी वजह से मैंने नहीं डाला था। और कलर देख सकते हो, थोड़ा सा वाइट वाइट लग रहा था, तो इसी वजह से मैंने और जितना भी पेस्ट मेरे पास बचा था, तो धनिया पुदीना का पेस्ट, वो भी मैंने डाल दिया। अच्छे से उसको मिक्स कर लेंगे, एंड यहाँ पर जो हमारा मतलब कचुम्बर रायता जो भी है वो एकदम रेडी है। एंड मेरी चारों तरफ थोड़ा सा मेस है, क्योंकि मैं अकेले काम कर रही हूँ, तो सारा कुछ फिनिश होने के बाद मैं सारा कुछ क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे शिवांग सर मैं दोनों वेट कर रहे थे, एंड फाइनली जो डाडा है वो आ गए हैं, मेरे हस्बैंड आ गए हैं, और सन भी इतना ज़्यादा खुश था, सबसे ज़्यादा सन भी ही खुश था। मतलब वो तो मैं मना कर रही थी डाडा के पास मत जाओ, क्योंकि दूर से आए हैं, ट्रैवल करके आए हैं, और अभी उड़ीसा में थोड़ा सा कोविड भी बढ़ रहा है, तो मैं मना कर रही थी कि आज फ्रेश होने दे, उसके बाद ही जाना, नहीं उसको तो नहीं, बस जाके एकदम से हग वग करके क्या ही उसका रिएक्शन आप देख सकते हो यहाँ पे। हाँ, ये जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये उनकी बर्थडे मंथ था, तो हमने थोड़ा सा, खास करके मैंने थोड़ा सा इसे वेलकम किया है उनको, बर्थडे वाला फीलिंग देने के लिए थोड़ा सा, इसी वजह से ये कर दिया। और केक वगैरह कट करने के लिए उन्होंने स्ट्रिक्टली मुझे मना किया था, क्योंकि हमारी मतलब मदर इन लॉ की वजह से, आप यहाँ पे फोटो भी देख सकते हो, तो इसी वजह से हमने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने न्यू ड्रेस के लिए, केक के लिए सब कुछ मुझे स्ट्रिक्टली मना किया था कि कुछ भी नहीं करने वाले हो, मतलब कुछ भी नहीं करोगे। तो बस मैंने उनको थोड़ा सा खुश करने के लिए एक पार्टी पेपर रखा था, उसको मैंने बस फोड़ दिया, एंड उनके टेस्टी टेस्टी खाना बना दिया बस। एंड यहाँ पे साथ में एकदम लटक गए थे, वो घर अंदर नहीं आने दे रहे थे, वहीं पर ही लटक गए थे। टाइम भी बहुत हो चुका था, 11:30 के आसपास हो रहा था, तो बस मेरी खुशी भी आप देख सकते हो, मतलब हस्बैंड घर आते हैं तो लगता है कि भाई चारों तरफ से सपोर्ट मिल गया है, फिजिकली मेंटली बच्चों के लिए सब जगह से लगता है। अकेले मैनेज करना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, जो मदर मतलब अकेले रहते हैं वो मेरे से रिलेट कर पाएंगे, जितने भी घर में लोग हों, लेकिन हस्बैंड की जगह कोई नहीं ले सकता है। तो इसी वजह से ये खुशी आप मेरी फेस पर देख सकते हो। बस इसी तरीके से सारे जो इवनिंग से नाइट तक का रूटीन मैंने आपके साथ शेयर किया, होप आपको अच्छा लगा है। ब्लॉग को यही